उनको देवी कहते हैं। हाँ जी नमस्ते। और जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, वो हमको जब अकेले में मिलते हैं ना तो हमको सेक्सी सेक्सी कहते हैं। अच्छा सिद्धू जी, और इनको तो सब चिकनी चमेली कहते हैं, आपको हैंडसम हंग कहते हैं, और वो जो बैठे हैं वहाँ पे वो कुछ भी कहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। रिंकू भाभी आज इधर कैसे आप? हम बदला लेने आए हैं। किस चीज का? हमारे जो हस्बैंड है ना, उनके सपने में कटरीना कैफ आती है रोज, तो हम सोच रहे हैं हम क्यों सिद्धार्थ के सपने में आएंगे तो बदला ले लेंगे उनसे। क्यों बच्चे को डरा रहा? बच्चे होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो भरे पूरे मर्द हैं वो। अरे वाह। उनका जब पिक्चर आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसी वक्त से सोच लिया था इनके प्रिंसिपल बन के रहेंगे हम। हाँ देखो रिंकू भाभी, आप प्रिंसिपल मत बनो, आप मुझे एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करना है, आप होस्ट बन जाओ, मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा आप होस्ट बन जाओ, ठीक है? हमने कभी किया नहीं। अरे कौन भैल करोड़पति नहीं देखती हैं आप? देखती हूँ, सिटी केबल पे जो आता तो है उसमें पार्टिसिपेट किया, आप होस्ट बन सकिया नहीं? तो कोई बात नहीं, आज होस्ट करिए, जल्दी जल्दी लेके आइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी केबल का प्रोग्राम कौन भैल करोड़पति में। और इधर हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रहा हो तो हमारा गोद में भी आकर बैठ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बैठ सकते हैं। और इधर हमारे साथ बैठी हुई कटरीना कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाभी जी आप खुश नहीं है क्या? क्या हुआ बताइए, मतलब आपकी आवाज से ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, लेकिन अब जैसे आप आपका हीरो है। होता है बहुत हैंडसम हैंडसम, हमारा हीरो देखेंगे तो जीरो से भी नीचे है, माइनस में है। हम तो अपना जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं आपको पता नहीं है। बहुत मुश्किल जीवन है हमारा। वैसे भी आपका हस्बैंड कहाँ है इस वक्त? और लेटा होगा घर पे, बैठा रहता है, सुबह कारखाना जाता है, 4 बजे कुंडी खोल के वापस घर पे आ जाता है। कुंडी खोल के? तो आप जब जाती है तो कुंडी बंद होता है? आपका? हमारा नहीं, कारखाना का कुंडी। गेम का रूल हम आपको बता देते हैं। हाँ जी। बहुत ही सीरियस गेम है कौन भैल करोड़पति। अब गेम का रूल है, इसमें आपको 4 पाइपलाइन मिलेगा, पहला मिलेगा पाइपलाइन पाइपलाइन रहेगा 4। अच्छा एक नीचे है वो आपको मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं। क्या लाइफलाइन? लाइफलाइन की बात कर? अच्छा ऐसा है, चलिए एनीवे अभी हम लोग आपको बता देते हैं 4 जो लाइफलाइन का पाइपलाइन जो भी है वो है। ऑडियंस पोल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आंसर का लायबिलिटी टेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो आप अपना ही रिस्क पे खेलिएगा। ओके या बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है आज। अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और कह रही एक्सपर्ट ही नहीं है, तुम्हारे मुंह को जेल होनी ही बनती है। हेलो सिद्धार्थ, मैं बहुत आपका फैन हूँ। अरे शुक्रिया कटरीना, मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है, कटरीना कैफ पसंद है। सिद्धू साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिद्धू साहब अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है, टोपी पहन के खेल में आए हैं आप। तू भी तो साड़ी पहन के आई है। मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं बता ही नहीं सकता, मैंने बताने नहीं जाओ जो करना कर। आपको याद है आपका मैच था 1990 में? अच्छा भारत पाकिस्तान का मैच था, आपको वकार यूनुस 0 पे आउट कर दिया, मेरे को वकार यूनुस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। एक मिनट, कैसा एक्सपर्ट है आप? मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इनको पता ही नहीं है मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती बस से उतर जाता हूँ। मैं क्योंकि स्टॉप पे उतरो पैसे मांगते हैं। मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ आप यकीन करें, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। हाँ जी शादरा से बच्चे आते हैं मेरे से गाली सीखने। इतने बदतमीज, मैं उनको गाली सिखाता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ और गाली मेरे को दे जाते हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी। मैं कमली कमली यार दी कमली बहुत ज्यादा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कमली या ज्यादा ली हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अब हम गेम खेलेंगे। ये क्या, ये किसके लिए?
यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी, मैं सुसू करता था। मैं आधे घंटे से मार रहा हूँ, होने जा मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को। तो चलिए हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा। अरोड़ा कम हमारी राह में, रोड़ा ज्यादा है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। और उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा। अच्छा, टैक्सी तो हम हैं, मान गए। मेरे 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 मन में एक बात आ रही थी, मैं रोक नहीं पाया। हाँ। तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो, वरना मुंह खराब ही लगेगा। नितु साहब, मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था। अच्छा, दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज, वो मेरे साथ रहता है। मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे, शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ। वो बड़ा कुत्ता है, वो चुपचाप बैठा था, ये टीवी पे ही भौंकने लगा। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह। मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया अभी। हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर। बहुत अच्छी बात है। हम इधर टीवी पे आ रहे हैं तो जनता का मुंह दिखा रहे हैं। पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए। पहला सवाल 50। 50 लाख रुपया कौन देगा? मुझे बात ना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगला सवाल पूछो। आप एक्सपर्ट हैं, बीच में पट पट मत बोलिए, समझे आप? यार एक बात मैंने भी बोली, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार, मेरे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। चलिए अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के। वाह 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 वाह, क्या सवाल है। सिद्धार्थ और कटरीना, ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका, या डी पार्टनर। सब जरूरी है। कुंडी कुंडी, दरवाजा बंद और कुंडी। कैसे हो? चाहें तो देखिए, बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है। हाँ। आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं, लेना चाहें तो। एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे में? देखो बड़े राय है ऐश्वर्या का, मेरा रोड़ा है, लेना तो ले लो। चलिए चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ। राउंड लिया है। अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए। सीख रहा है, सीख रहा है। सवाल मैथमेटिक्स का है। ओह, गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो 0 बचेगा? कितने में से कितना निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0 बचेगा। 0 बचेगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन भी हाँ हमारे पास 4 हैं। कुछ कुछ में से कुछ, बी थोड़ा में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, या डी सब में से सब। सब में से सब। फोनो फ्रेंड। नहीं, गलत है। सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा? मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है। अच्छा अच्छा, बोलिए। आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे। आपके ऑप्शन है ए 3-पीस सूट, बी शेरवानी, सी प्लाजो। प्लाजो 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 होता है ना, प्लाजो। कितना हो, डी हो गया था? नहीं, सी हुआ। डी मिनी स्कर्ट,
मिनी स्कर्ट ई उससे भी मिनी स्कर्ट एफ उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट शेमलेस जीन्स मतलब शेमलेस जीन्स जी बैकलेस ट्राउजर पूरा ऑप्शन सुनिए जी के बाद क्या आता है एप एप तो हो गया था ना एच एच जी के बाद हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है एच बैकलेस ट्राउजर किसमें ज्यादा सेक्सी लगेंगे और ऑप्शन दे जेड तक ऑप्शन मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए ऑप्शन होते चार हाँ दे दिए 3500 इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस कटरीना से ज्यादा हमारे पास नहीं बर्दाश्त कर सकते लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे नहीं आपको मानना पड़ेगा हम ऑडियंस पोल लेंगे हम और यहाँ पे कटरीना जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है ठीक है तो हम डांस करेंगे जो भी जिसको मूवमेंट में अच्छा लगा वो बता देंगे बहुत ज्यादा पसंद आया मेरे को मेरे को बहुत अब आप लोगों के सामने हो गया है ऑडियंस अपना अपना पोल दे दो बता दो कौन हॉट है ज्यादा मेरे को वो बड़े पसंद आए काफी कंफ्यूजन है मैं आपको एक बात बताता हूँ मैंने सिद्धू साहब आप यकीन नहीं करेंगे मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी है हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया आप यकीन नहीं करेंगे मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया बहुत ज्यादा मैं कहता हूं मैं तुम इधर एक्सपर्ट बनकर राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो तुम हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़कर सब कुछ हम आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है हम यहाँ से जा रहे हैं हमको नहीं खिलाना खेलना है गणपति हमारा दिल बैठ गया है बहुत मुश्किल है जीना हमारा कुंडी बीच में है ना कुंडा हमारा ननद क्या करेंगे कुंडी का जिंदगी खराब हो गई पूछिए क्या करेंगे सारा दिन हस्बैंड घर पे रहता है दो मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर ले ना है घर पे सिर पे दाल गलता है हमारा हमारे हस्बैंड का कर्नाटक का प्लेस अच्छा करते हैं ना सिटी कैबल में वो सारा तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता तुम बाहर चले जाया करो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं आप रो मत मैंने पहले भी कहा अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना हम तो बार बार देखने जा रहे हैं तो हम भी बार बार देख लेंगे उसमें क्या है फिल्म बार बार देखो लेकिन इनका मुंह एक बार देख लो आप देख लो मैंने वो आपकी आम वाली एड देखी थी जो आम में से रस निकलता है ना जो आप ऐसे ऑटो में गिरता है मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था अच्छा इनके आम में से रस निकलता है हमने आम लाए कीड़े वाले निकले आइए एक सेल्फी लेते हैं आपके साथ बहुत मजा आया आपको देख के मतलब जितना मुझे इसका मुंह गंदा लगा उतना आप दोनों को अच्छा लगा अरे आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ आइए आइए आप देखिए हमारा ऐसा नहीं है मुंह इतना गंदा नहीं है आइए आइए आप भी इधर आइए हमारा आ ही नहीं रहा कवर करके खड़ा हो गया आप इधर आ जाइए ध्यान से आपका मुंह आ रहा है बाहर हो जाओ बहुत मजा आया बिल्कुल बहुत मजा आया आप बहुत आप लोग ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो।